नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पीलिए की बीमारी के लिए खास जड़ी। जी हाँ, आप देख सकते हैं हरे पत्ते वाली, ये घास की तरह दिखने वाली बरसीन नामक जो घास होती है उस जैसी सेम दिखती है, लेकिन ये असल में जड़ी है। इसके तीन पत्ते होते हैं और हर पत्ते हार्ट यानी दिल के सेब जैसी इसका साइज बना हुआ होता है, देख सकते हैं तीन पत्ते। और ये खाने में इसका टेस्ट नमक जैसा लगता है, नमकीन जैसा इसमें टेस्ट आता है अगर आप इसको तोड़ के चबा के देखेंगे तो। पीलिए के लिए सबसे लाभकारी है ये, हर जगह मिलती है, तालाब के आसपास जहाँ शीतलता ज़्यादा हो, पानी के सरोवर के आसपास, नहर के आसपास, तो इस प्रकार की जगहों में। और आषाढ़ सावन भादों जैसे जो ये बारिश का मौसम होता है तो इसमें आम हर जगह मिल जाती है। तो इसको आपको तोड़कर, इन पत्तों को 200 ग्राम या अपने अंदाजे से तोड़ लें, इसको धोकर आप इसको रगड़ना है। रगड़कर जो इसका रस निकलेगा वो आप किसी बोतल में भर लें। आप 1 लीटर की, 2 लीटर तक की भी बोतल भर सकते हैं। उसमें मान लीजिए आपने 1 लीटर बोतल भर ली तो उसमें 200 ग्राम देसी खांड यानी कि चीनी आप उसमें मिलाइए। ये कड़वी नहीं होती लेकिन इसमें मिलानी पड़ती है, मिला के रख लें और सुबह और साय खाली पेट और खाना खाने के बाद इसको लेना है। ये आप 1-1.5 महीना लीजिए, कितना ही पुराना पीलिया हो, पीलिए की बीमारी कितनी ही पुरानी क्यों ना हो वो ठीक हो जाएगी। और काले पीलिए में भी इसके रिजल्ट देखे गए हैं, लेकिन हम काले पीलिए के लिए दावे से तो नहीं कह सकते, लेकिन आम जो पीलिया होता है बिल्कुल खून सूख जाना, हाथ पांव पीले पड़ना, आंखों में पीली धारियां उतर आना, नाखून पीले पड़ जाना, कमजोरी होना, चक्कर आना, उल्टी आना, तो आम जो पीलिए की बीमारी होती है वो भी बहुत से भाइयों बहनों को परेशान करती है, बच्चों को परेशान करती है। इसको आप ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका आप रस निकाल कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा कभी पीलिए की शिकायत नहीं होगी। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी वजह से दूसरों को लाभ हो, सभी मित्रों को साझा करें। कुछ पूछना है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। सो धन्यवाद, खुश रहो, तन सुखी, सो जीवन सुखी। धन्यवाद, जय माता दी।